और चलो कैसे हो, चलिए आज करते हैं कुछ नया सा। तो हाँ बच्चों, आज की जो ट्रिक है सबके लिए है। इस समय ठंडे आ गई हैं, ठंड में हमें पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मतलब ठंडा पानी तो इतना बुरा लगता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर ठंडे पानी हो पर फिर भी हमें किचन में बर्तन वगैरह तो साफ़ करने ही पड़ते हैं, सुबह करें या शाम को करें, ठंडा पानी तो सुबह भी लगेगा रात को भी लगेगा। इसलिए किचन रात को साफ करके सोएं वो ज़्यादा अच्छा है। पर ठंडे पानी से हम कैसे बचें? सबसे पहली ट्रिक ये है कि जब भी हम खाना लगाते हैं पूरे फैमिली के लिए, तो जब हम खाना गर्म करते हैं, चाहे हम माइक्रोवेव में करें या गैस पर करें, तो उस खाली बर्तन में जैसे कुकर है, कढ़ाई है, थोड़ा पानी डाल दें। जिससे क्या होगा, वो पानी काफ़ी गर्म हो जाएगा। आपको अलग से गीजर का पानी नहीं लेना पड़ेगा, कोई खर्चा अलग से नहीं होगा। उस गर्म पानी से जब आप बर्तन को धो लेते हो तो आपका आधा काम तो वहीं ख़त्म हो जाता है, चिकनाई तो ख़त्म हो जाती है। अब आती है बारी कि हम इन बर्तनों को कैसे साफ़ करें। तो मैंने ये ग्लव्स लिए हैं, ये ग्लव्स की मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, पर ये ग्लव्स बहुत ही हेल्पफुल हैं। इस वक्त हमें ये ग्लव्स पहनने चाहिए, ये फ्री साइज़ हैं और इसमें जो स्क्रबर लगा हुआ है उससे हमें कोई दूसरा स्क्रबर भी नहीं लेना है। बस इसमें थोड़ा सा डिश वॉश ले लीजिए और जो गर्म पानी हमारे बर्तनों में ऑलरेडी है आधा तो उसी से ही साफ़ हो जाएगा। थोड़े डिश वॉश से साफ़ करते जाइए, रब करते जाइए, आपके बर्तन साफ़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, पानी ठंडा भी नहीं लगा, जरा सी मेहनत से बर्तन साफ हो गए। ये देखिए, ये ग्लव्स मैं हटा के दिखा देती हूँ, आपको एक बूंद भी पानी हाथ में नहीं लगी। इसका मतलब आपके हाथ बिल्कुल पानी में नहीं गए, आपको ठंड नहीं लगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इस तरीके से आप छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो ये कैसी लगी ट्रिक मेरी आपको, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है अगर नए आए हो तो।